गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? बहुत सारा ना कमेंट्स आया था कि सर हमको स्वैप करवा दीजिए इंडियन कैपिटल मार्केट का। एक वो मैंने करवाया था फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, सिंपल। अब स्वैप करने जा रहे हैं। स्वैप में बेसिकली ना नाम तो फाइनेंशियल स्वैप है, इसमें एक इंटरेस्ट रेट स्वैप भी होता है, करेंसी स्वैप भी होता है। तो मैं आज जो बात करूंगा वो करूंगा इंटरेस्ट रेट स्वैप। और स्वैप भी ना बेटे हम लोग तीन पार्ट में पढ़ेंगे, मतलब तीन अलग अलग कंडीशन में स्वैप का यूज कैसे किया जाता है। स्वैप होता क्या है ये मैं डिस्कस करूंगा जब एग्जांपल के साथ साथ, पर एक बात समझ लो, स्वैप का यूज कहाँ होता है मैं ये समझा रहा हूं। जैसे ना हम बैंक गए, बैंक के पास गए लोन लेने के लिए, और बैंक से बात किया तो बैंक ने कहा आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो स्वैप में मैं करूंगा क्या, उधार तो मैं 10% के हिसाब से लूंगा, लेकिन जब इंटरेस्ट देने की बात आएगी कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा कि बैंक को मिलेगा भी 10% ही, पर मेरे जेब से 10% नहीं जाएगा, उससे कम जाएगा। एग्जैक्टली समझना मत को, उधार में 10% के हिसाब से लूंगा, देना भी मतलब बैंक को मिलेगा भी 10%, पर मेरे जेब से 10% नहीं जाएगा, ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना। एक तो ये, दूसरा स्वैप का यूज कहां है ना कि मान लो मैंने बैंक से लोन लिया 10-20 साल के लिए, और वो 12% के हिसाब से ले लिया, 2-3 साल हो चुके हैं और मैं फंस गया कि अब करूं तो क्या करूं, मैं 12% बहुत ज्यादा हो रहा, मैं देना नहीं चाहता, अब क्या किया जाए। तो इसके लिए कुछ स्वैप का अरेंजमेंट करूंगा ताकि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से कम हो जाए। यहां भी सिचुएशन ये है, बैंक को मिलेगा 12% ही, पर मेरी जेब से 12% नहीं जाएगा। दो, तीसरा तरीका जो सीए फाइनल में अक्सर पूछा गया है वो है बेटिंग ऑन स्वैप, मतलब शर्त लगानी है, और शर्त रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगानी है, बहुत सारी चीजों पे। और उसमें वो शर्त कैसे लगाई जाती है, एक फिक्स रेट पेयर होता है, एक फ्लोटिंग, वो चीज समझानी है आपको, ठीक है। तीन तरीके से मैं काम करूंगा। तो स्वैप क्या होता है, स्वैप होता है अदला बदली एक्सचेंज, ये मैं आपको समझाऊंगा, एक नॉर्मल एग्जांपल लूंगा। जरूर ऐसा लगेगा कि यार ये तो टाइम पास हो रहा है, लेकिन पक्का अगर वो एग्जांपल समझ में आता है तो फिर आगे पूरा स्वैप जो बहुत ज्यादा टेक्निकल वो खत्म हो जाएगा। सुनोगे ध्यान से, मान लो ये जो है ये है रायपुर, यहां जहां मैं रहता हूं रायपुर, और रायपुर में कौन है बेटे? सर रायपुर में एक पर्सन है राम, और एक पर्सन है दिल्ली, और इसका नाम है श्याम। तो राम क्या है, राम का जो है, अब रायपुर का मैं मार्केट बता रहा हूं, रायपुर में एप्पल चल रहा है, एप्पल से खाने वाला, ठीक सर, कैसे रुपए, ₹100 पर केजी। और सर और क्या है, ऑरेंज 10 रुपए पर केजी। हो सकता है मिस प्राइसिंग हो, यहां से नागपुर पास है तो ऑरेंज सस्ता, कश्मीर दूर है तो एप्पल महंगा चल रहा है, ठीक है। सर राम का क्या खाने का दिल है, राम जो है ना, राम वो एप्पल खाना चाहता, एप्पल खाना चाहता, तो बताओ कितना रुपया खर्चा करना पड़ेगा, 100 रुपए, ठीक 100 रुपए खर्च करना पड़ेगा तभी तो एप्पल खाएगा। ऐसे श्याम वो भी दिल्ली के मार्केट में गया, पता लगाया तो वहां से कश्मीर पास है, वहां चल रहा है 10 रुपए पर केजी, और सर ऑरेंज का क्या रेट है बेटे, वहां वो ये बड़ा महंगा चल रहा है, 100 रुपए पर केजी। और सर इसका क्या खाने का दिल है श्याम का, बेटे इसका ऑरेंज खाने का दिल है। अब सुनोगे ध्यान से, मेरे ख्याल से अब मुझे ज्यादा कहानी नहीं बतानी, समझ गए हो क्या होने वाला है।
राम का क्या खाने का दिल है? एप्पल, जो कि कितना चल रहा है? 100 रुपए पर केजी। श्याम का क्या खाने का दिल है? सर, श्याम का खाने का दिल है ऑरेंज, जो कि चल रहा है दिल्ली में 100 रुपए पर केजी। अब इनका एक कॉमन फ्रेंड, इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, जिसका नाम है मोहन। वो बातें करता है कि हाँ यार राम, दोनों का दोस्त है, दोनों के बस से पास सुबह सुबह बात होती है कि राम क्या चल रहा है आपके यहाँ, क्या खाने का मन है, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा, सब पूछ। तो राम ने बताया कि यार हमारे यहाँ ऑरेंज 10 रुपए चल रहा है, एप्पल 100 रुपए, पर मैं तो यार मेरा एप्पल खाने का दिल है, मैं तो एप्पल खाऊँ। शाम जो है वो बोलता है यार हमारे यहाँ भी ये रेट चल रहा है, पर ऑरेंज मैं खाऊंगा पक्का, और मुझे इसके लिए 100 रुपए खर्च करना पड़ेगा। अब देखो काम क्या होगा, अब होगा स्वैप। अब कौन स्वैप करवाएगा? मोहन, इंटरमीडिएट। ये राम से बोलेगा, राम सुनो, मार्केट जाओ और ऑरेंज खरीद लीजिए। बोले अब बेटे, राम बोलेगा मैं ऑरेंज क्यों खरीदूं भाई, सस्ता मिल रहा वो मैटर नहीं है, मैटर ये है कि मेरा खाने का दिल एप्पल है, तो मैं एप्पल ही खाऊंगा भले ही 100 रुपए जाए। बोले अब मोहन समझाता, आप खाओगे एप्पल ही, पर एप्पल खरीदना नहीं, खरीदिए ऑरेंज। बोले आपको 10 ही रुपए खर्च करना पड़ेगा और बदले में ये खा लोगे। ऐसे ही वो क्या करवाएगा, ऐसे शाम से कहेगा कि मार्केट जाइए और आप एप्पल खरीदिए, जबकि ये क्या खाने वाला है? ऑरेंज। पर बोले आप एप्पल खरीद दिए तो सही, आप खाओगे ऑरेंज ही, टेंशन मत लीजिए। समझ ही रहे हो क्या होने वाला है? राम क्या खरीदेगा? राम खरीदेगा ऑरेंज। कितने रुपए खर्च हो गए? 10, इसको दे देगा और ये ऑरेंज इसको दे देगा, 10 रुपए में बात बन गई। और वैसे ही श्याम क्या करेगा? श्याम खाना क्या उसको? ऑरेंज, पर खरीदेगा क्या? एप्पल। यहां से यहां जाएगा और एप्पल यहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसने जो खाना चाहता था वही खाया, इसने भी जो खाना चाहता था, ये क्या खाना चाहता था? ऑरेंज, ऑरेंज ही खाया, लेकिन पड़ा कितने का? 10। स्वैप हो रहा है, मतलब जिसको जो चीज चाहिए वो ना खरीद के दूसरी चीज खरीद ले और ट्रांसफर कर दे किसी और को। दिस इज स्वैप, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है सर, इसमें मोहन का क्या फायदा? मोहन भी कहेगा कि सुनो, दोनों को मैंने फायदा करवाया, इन्होंने क्या खाया? इन्होंने एप्पल ही खाया, लेकिन 100 रुपए की जगह कितना खर्च करना पड़ा? सिर्फ 10 रुपए, क्योंकि ऑरेंज खरीद के इसको दे दिया और इसने एप्पल खरीद के इसको दे दिया। तो बोले आप एक काम करो, मुझके को थोड़ा सा कमीशन तो दे दो, 5-5 रुपए कमीशन दे दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में समझना, बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन क्या होगा, उसकी एक प्रोसेस क्या होगी, फिर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाऊंगा। क्वेश्चन सिंपल सा आता है, बताइए राम ने क्या खाया? नो डाउट एप्पल ही खाया। राम को एप्पल कितने का पड़ा? सर ठीक है, 10 रुपए तो ये पड़ा और 5 रुपए कमीशन, तो बताओ राम को कितने का पड़ा? क्या चीज? एप्पल। तो मैं ऐसे बोलूंगा, राम को एप्पल पड़ा 15 रुपए का, क्योंकि 10 रुपए का तो ऑरेंज खरीद के दिया और 5 रुपए कमीशन दिया। श्याम ने क्या खाया? श्याम ने ऑरेंज ही खाया। श्याम को कितने का पड़ा? श्याम को भी 10 रुपए का, तो एप्पल खरीद के ट्रांसफर, 5 रुपए, तो कितने का पड़ा? क्या पड़ा? ऑरेंज। और कितने का पड़ा? 15 रुपए। स्वैप, स्वैप का मतलब अदला बदली। ठीक है, और सुनोगे एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इतना आता है कि बताइए इसका इफेक्टिव कॉस्ट कितना पड़ा इन लोगों को। बस हमें यही काम करना पूरा स्वैप में, सिंपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। स्वैप मतलब एक्सचेंज, अदला बदली। अब सर हम क्या करेंगे, प्रोसेस में काम करेंगे। हालांकि सोचो स्वैप नहीं होता तो भी एप्पल ही खाता, लेकिन कितना खर्च करना पड़ता? 100। लेकिन स्वैप के बाद कितना खर्च करना पड़ा? 15 रुपए। तो क्वेश्चन ये आएगा कि ये बताओ ये 15 रुपया कैसे निकाला? मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहा हूं। ठीक है, तो आ जाएगा क्या आने वाला है एग्जाम में। एग्जाम में आएगा इफेक्टिव कॉस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट निकालना। इफेक्टिव कॉस्ट कैसे निकालोगे? तो पहले फर्स्ट
टोटल कॉस्ट विदाउट स्वैप, स्वैप नहीं करते तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ता है? सर राम को तो अगर स्वैप नहीं करते तो राम को तो एप्पल ही खरीदना पड़ता, कोई शक ही नहीं। और कितना रुपए जाता? 100। और सर श्याम को ऑरेंज ही खरीदना पड़ता, और कितना जाता? 100। तो दोनों मिलाकर कितना का खर्चा हो जाता? 200। ठीक है। दूसरा टोटल कॉस्ट विद स्वैप या आफ्टर स्वैप, तो सर राम ने क्या खरीदना था? एप्पल। पर इससे क्या खरीदवाया? ऑरेंज। अपोजिट, तो 10 रुपए ही खर्च करने पड़े। ऐसे ही श्याम को क्या खरीदना था एक्चुअली? ऑरेंज। पर ऑरेंज की जगह क्या खरीदा था? एप्पल। तो भी 10 रुपए ही इसके भी खर्च हुए, तो टोटल मिलाकर 20 रुपए खर्च हो गए। ठीक है, तो बताओ गेन कितना हुआ? गेन सर गेन हो गया 200 माइनस 20, 180 रुपए का गेन हो गया स्वैप की वजह से। पर माइनस कमीशन, ये जो मोहन था इंटरमीडियरी, ये भाई साहब कमीशन ले गया जो फायदा हुआ। ठीक है, तो दोनों मिलाकर कमीशन कितना हो गया? 10। तो भी तो फायदा कितना हो गया? 170 नेट गेन। 170 रुपए का फायदा, 170 का। अब इफेक्टिव कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा? इफेक्टिव कॉस्ट राम क्या खरीदता है? एप्पल। कितने रुपए खर्च करने पड़ते? एप्पल खरीदता 100 रुपए खर्च करने पड़ते, लेकिन फायदा कितना हुआ? 170। तो 170 का आधा फायदा ये रख लेगा, आधा फायदा, आधा गेन। ऐसे ही श्याम ए 100 रुपए माइनस 170 का आधा ये रख लेगा। एक्चुअली डिवाइड माइनस किससे होगा? 85। तो बोलो इसको एप्पल कितने का पड़ा? 15। इसको ऑरेंज कितने का पड़ा? 15। सिंपल सर, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, ऐसे करने का क्या मतलब है बेटे? रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा एग्जाम में, एप्पल और ऑरेंज नहीं आने वाला। आपको तो कुछ समझाने वाला हूं मैं, लाइबर वगैरह। तो एक काम करते हैं, अब एक एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं यहां, और फिर उसको मैं समझाते हुए काम करूंगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन का लेते। अब हमारा अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है स्वैप का, तो वो एग्जाम्पल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन स्वैप ना 3 पार्ट में करवाने वाला था, 3 टाइप के क्वेश्चन। उसमें से टाइप नंबर 1 ये है, क्वेश्चन ऐसा रहेगा। मान लो एक कंपनी ए लिमिटेड, ए लिमिटेड को पैसा चाहिए, मन से ले लेते हैं करीब करीब 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए उधार लेना, 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए। तो ए लिमिटेड बैंक जाता और बैंक के पास बोलता, बैंक मुझे चाहिए लोन 4-5 साल के लिए, तो किस रेट पर आप लोन दे सकते? तो बैंक कहता, हमारे यहां ना 2 तरह के लोन दिए जाते हैं। एक होता फिक्स रेट। बोले फिक्स रेट मतलब? बोले फ्यूचर में कोई रेट चेंज नहीं होगा, आपको बस 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक। और दूसरा होता बोले फ्लोटिंग लायबोर प्लस 1%। मैंने कहा ये क्या चीज है? बोले लायबोर जो है ना वो 3 मंथ पीरियड का होता है, 6 मंथ पीरियड का, लेकिन रीसेट पीरियड होता है, हर 3-3 माह में चेंज होगा, हर 6-6 माह में चेंज होगा, हर 1-1 साल में चेंज होगा। मैंने कहा मतलब समझाओ। बोले लायबोर मतलब इंटरनेशनल बैंक जिस रेट पर बोरोइंग करती है ना, वो वाला रेट। सपोज अगले 1 साल में ये रेट लायबोर 10% हो गया, तो फिर बोले आपको 11% देना पड़ेगा, 10%। ये एक बेस रेट है, प्लस 1% एक्स्ट्रा। मैंने कहा अच्छा,
मैंने कहा अगर ये 12% हो गया तो फिर बोले आपको 12 + 1 13% देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक। और मैंने कहा सपोज ये 5% हुआ तो भी चिंता वाली बात नहीं, बोले फिर आपको 5 + 1 = 6 देना पड़ेगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा रिस्की है, बढ़ गया तो मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, लाइबोर अगर कम हो गया तो फिर कम देना पड़ेगा। अब मैं अगर देखो 2% है, अगर या तो मुझे लग रहा है कि लाइबोर का रेट कम होगा फ्यूचर में तो फिर तो मैं फ्लोटिंग से उधार ले लूंगा, या तो मैं रिस्क लेना चाहता हूं तो फ्लोटिंग से उधार लूंगा। हाँ अगर रिस्क नहीं लेना चाहता तो फिक्स रेट पे उधार ले लूंगा भैया 8%, दैट्स इट, 8% देते जाऊंगा, खत्म बात। अगर आपका दिल, अब मैं सोच रहा हूं यार एक बार रिस्क ले ही लेते हैं, जो होगा देखेंगे। और मैंने बैंक से कहा बैंक मुझे 10 लाख रुपए चाहिए और मैं फ्लोटिंग के हिसाब से लेने वाला हूं उधार, लाइबोर +1% के हिसाब से। किसकी बात हो गई? ए लिमिटेड की। और एक कंपनी है बी लिमिटेड, वो भी उधार चाहिए उसको सेम अमाउंट, वो भी बैंक गया। पर ना बेटे बी लिमिटेड की क्रेडिट रेटिंग उतनी अच्छी नहीं थी, जरूरी थोड़ी ना, सुनो मैंने भी होम लोन के लिए अप्लाई किया था, एसबीआई वाले ने मना कर दिया, पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने फाइनेंस कर दिया, बात को समझना है। हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं देने को तैयार, पर मेरा क्रेडिट रेटिंग इतना अच्छा नहीं था कि एसबीआई वाला मुझे लोन दे देता। भाई आपको हो सकता है बी लिमिटेड जिस बैंक के पास गया, हो सकता है ये इस बैंक के पास भी गया हो, पर ये इसने मना कर दिया बी लिमिटेड को लोन देने से, तो बी लिमिटेड दूसरी बैंक गया, दूसरे बैंक वाला तैयार हो गया लेकिन वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, वहां वाली बैंक भी बोलते फिक्स चाहिए कि फ्लोटिंग। बी लिमिटेड बोलता भाई फ्लोटिंग का तो पता नहीं, बी लिमिटेड कहता मुझे फिक्स में इतने परसेंट देने को तैयार हूं, 12%, वो रिस्क नहीं लेना चाहता। ओके फाइनली बात ये हुई है कि ए लिमिटेड अपनी बैंक गया है, वहां से फ्लोटिंग पे रोट स्टार लगा चुका हूं, बी लिमिटेड किस रेट पे? फिक्स। ओके अब बात को समझना है, अब बात सिंपल है, मुझे क्या करना है, सिंपल स्वैप समझना, स्वैप जो जो चाहता है उसको वो ना देखकर कुछ और करवाना, दिस इज स्वैप। अब इसको ना पहली बात दो तरीके से करवाऊंगा, पहले एग्जाम में जैसे करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 8 नंबर का एग्जाम में जैसे करना है वो करवाऊंगा बिना फिगर लिए, एग्जाम में ये पूछेगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर स्वैप बताइए, फिर एक बार अमाउंट ले लेंगे और फिर अमाउंट की तरह से काम करेंगे। मतलब एग्जाम में ये आएगा कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर स्वैप। चलो तो भाई एग्जाम में क्या करना है ये समझा रहा हूं मैं फाइनली, और उसके बाद एक फिगर लेकर समझने की कोशिश करेंगे, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, पर वो एग्जाम के लिए हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां समझा रहा हूं इसको, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पहला स्टेप पहले में करोगे टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट स्वैप ए लिमिटेड। अगर स्वैप नहीं करवाते हैं तो ए लिमिटेड किस रेट पे लेने को तैयार था? फ्लोटिंग, और फ्लोटिंग कितना है? लाइबोर +1%। और बी लिमिटेड कितने रेट पे लेने को तैयार था? बी लिमिटेड किस रेट पे लेने को तैयार था? फिक्स, मतलब 12%। तो टोटल मिलाकर हो गया लाइबोर +13%। सेकेंड, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट
विथ स्वैप या आफ्टर स्वैप, अगर हम स्वैप करवा देते हैं तो स्वैप का मतलब होता है जो जो चाहता है उसको उस पे ना देखकर किसी और रेट पे बोरिंग करवाना। ये क्या चाहता था लाइबोर फ्लोटिंग, इससे फ्लोटिंग ना लेकर इसको क्या कह दो फिक्स। तो मैं लिखने जा रहा हूं सबसे पहले ए लिमिटेड चाहता क्या था फ्लोटिंग, इसको किस रेट पे लेने के लिए कहेंगे हम लोन फिक्स, और फिक्स कितना है जी 8%। ऐसे बी लिमिटेड चाहता क्या था, चाहता था फिक्स, इसको किस रेट पर कहेंगे फ्लोटिंग। तो बोलो बेटे यहां कितना आ जाएगा, यहां फ्लोटिंग आ जाएगा लाइबो प्लस 3%। तो टोटल कितना हो गया लाइबोर प्लस 8 और 3 11%। तो अगर मैं कहूं इसको ए नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं बी, तो गेन कितना आ जाएगा, गेन ए माइनस बी, लाइबोर लाइबोर कट हो गया 13 में, तो 2% का गेन हो रहा है। ठीक, अब जो कमीशन है इंटरमीडियरी वो कमीशन ले जाएगा हमसे, सर कमीशन कितना जाएगा 1%, ये 1%, तो भी मेरा नेट गेन कितना आ गया, नेट गेन 1%। इसके अलावा अब देखते इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो फॉर्मूला ऐसा हुआ डिजायर्ड बोरोइंग जिस रेट पे वो चाहते थे वो, माइनस शेयर इन नेट गेन। अगर एक ही बात करो तो किस रेट पे चाहता था फ्लोटिंग, लाइबोर प्लस 1%, नेट गेन कितना हुआ 1%, तो इसका कितना दे देते, आधा आधा दे देते, बाकी क्वेश्चन 2:3 भी बोल सकता, उसे सबसे काम कर लेते। तो ये तो इस रेट पे चाहता था लाइबोर प्लस 1%, पर 0.5% का गेन होगा, एक का हम मैंने हाफ कर दिया, तो इसका इफेक्टिव क्या पड़ा, इसको पड़ा लाइबोर प्लस 0.5%। ऐसे बी लिमिटेड चाहता क्या था फिक्स, मतलब 12%, पर इसको भी कितने का गेन 0.5%, तो इसका इफेक्टिव कॉस्ट कितना पड़ा 11.5%। एग्जाम में ऐसे करना, ठीक है। हालांकि इससे ना बात समझ में नहीं आती कि हुआ क्या, हुआ क्या वो मैं समझा रहा हूं, पर एग्जाम में करना तो ऐसे ही है, आपको एक डायग्राम भी बनेगा वो बाद में समझा दूंगा। अब देखो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, वो मैं यहां समझाने जा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ठीक से समझना। हालांकि एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं होगा, एग्जाम के लिए तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। सुनोगे ध्यान से, तो भाई हम गए ए लिमिटेड के पास, मैं इंटरमीडिएट, मैं गया ए लिमिटेड के पास, मैंने कहा सुनो ए लिमिटेड किस रेट पे चाहते, बोले मैं तो फ्लोटिंग के हिसाब से लेना चाहता हूं। मैंने कहा सुनो आप ले लीजिए फिक्स के हिसाब से 8%। बोले भाई क्या बात कर रहे हो, अगर लाइबोर बढ़ा तो मैं ज्यादा नहीं दूंगा। बोले आपको पड़ेगा 8 से कम, लेकिन आप उधार कितने रेट से लीजिए 8%, बोल दिया गया। और बी लिमिटेड किस रेट पे बोल रहा था फिक्स, हम कहते हैं रुक जाओ बी लिमिटेड आपको लेना है इस हिसाब से। बोले क्या बात कर रहे हो, अगर लाइबोर का रेट बढ़ा तो भी, बोले आप टेंशन मत, तो आपको 12% से कम ही पड़ेगा कॉस्ट, ठीक है। और इससे भी बोल दी कि आपको ये जो देना चाहते हो ना इससे कम ही पड़ेगा। बोले ठीक पक्का, बोले ठीक है हम लोग एग्री। बोले आप जैसा बेटे एक एग्रीमेंट होगा, मैं इंटरमीडिएट हूं, मैं ए लिमिटेड से भी बात करूंगा, बी लिमिटेड से मैं कहूंगा, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसे करो। आप चाहते हो फ्लोटिंग पर आप लीजिए फिक्स, आप चाहते हो फिक्स लेकिन आप अपनी बैंक जाइए और वहां से फ्लोटिंग रेट से उधार लीजिए, ओके। दोनों ने एग्री हो गए, 10-10 लाख रुपया ले लिया। अब हुआ क्या, एक साल बाद मान लो एक साल बाद लाइबोर हो गया 8%, मन से लिया हुए कुछ भी हो सकता, मुझे नहीं मालूम, 8 क्या और गड़बड़ हो जाएंगे, 9% ले लो, कोई भी रेट ले सकते, कोई भी रेट, अब घर जाके घर में ट्रायल मार सकते हैं इसको 9%। अब बेटे
ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के साथ क्या सिचुएशन होगी, सुनोगे ध्यान से। 9% हो गया लाइबर। ए लिमिटेड ने किस रेट से लिया था? फिक्स। ए लिमिटेड को फिक्स देना पड़ेगा। कितना रुपए लिया था? 10 लाख का 8%। तो ए लिमिटेड देगा इंटरेस्ट टू बैंक कितना जाएगा? 80,000। बी लिमिटेड ने भी 10 लाख ही, लेकिन वो 12% के हिसाब से बोल रहा था, लेकिन उसको इस हिसाब से पड़ा। यहां 9% की जगह और भी रेट कर चेंज कर देता हूं, 15% कर देता हूं, टेंशन खत्म। 15%। तो बेटे इसको कितना देना पड़ा? 15% प्लस 3%, क्योंकि उसने उधार इस रेट पे लिया, उधार लिया इस रेट पे। लेना किस रेट पे चाहता था? 12। पर हमने उससे क्या बोला कि इस रेट पे ले लो, उस चक्कर में वो हमारी बात तो मैं फंस गया। तो इसको 12, मैंने यहां 15% किया है, याद रखना, खिलाए और 15। तो अब बी लिमिटेड बैंक वाले को इंटरेस्ट देगा 15 प्लस 3 18%, मतलब इसका इंटरेस्ट जा रहा है 1,80,000 रुपए। बहुत दुखी है बेटे, बहुत दुखी है। कौन दुखी है? सर बी लिमिटेड दुखी है। बी लिमिटेड बोले आपने हमको बर्बाद कर दिया, हम 12% चाह रहे थे। अगर हम आपकी बातों में नहीं आते तो हम 12% के हिसाब से 1,20,000 ही जाता, 1,20,000 ही जाता हमारा, लेकिन आपकी वजह से 1,80 जा रहा है। तो इंटरमीडियरी हमारा नुकसान कर दिया। बोले कितने का नुकसान कर दिया? तो आपने 60,000 का लॉस करवा दिया हमारा। ए लिमिटेड की बात करना ठीक से, ए लिमिटेड सुनोगे ध्यान से। ए लिमिटेड बोलता अच्छा हुआ बच गया भाई, मैंने फिक्स के हिसाब से लिया। अगर मैं फ्लोटिंग के हिसाब से लेता तो 15% लाइबर प्लस 1%, मतलब 10 लाख का 16%, 1,60,000 देना पड़ता। लेकिन अब सिर्फ 80,000 ही देना पड़ा, तो मेरा फायदा करवा दिया। मेरा फायदा कितने का हो गया? 80,000। बेटे ए लिमिटेड बहुत खुश, क्योंकि उसके 80,000 का फायदा हुआ। बी लिमिटेड का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 60,000 का। ठीक है, अब सुनना ठीक से। अब क्या होने वाला है? अब इसकी बात करो। ए लिमिटेड बहुत खुश है, 80,000 का फायदा, ये बहुत दुखी, इसका 60,000 का लॉस हो रहा। अब इंटरमीडियरी बोलेगा ए लिमिटेड से, बोले ज्यादा खुश मत हो। और बी लिमिटेड क्यों दुखी? बोले मेरे आपने ना 60,000 का लॉस करवा दिया। बोले सुनो, आपको मैं 60,000 दिलवा रहा हूं, टेंशन मत लो। इंटरमीडियरी गया ए लिमिटेड के पास, बोले फटाफट से 60,000 रुपए लेकर आओ। ए लिमिटेड क्यों लेकर आएगा बेटे? मानना पड़ेगा एग्रीमेंट। बोले ठीक है साहब, ये जो है, बोले आप 60,000 रुपए और लेके आइए, और ये 60,000 रुपए किसको दे दीजिए? बी लिमिटेड को। तो इस तरह से ए लिमिटेड ने बैंक वाले को 80 दिया और इसको 60,000 दिया, तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ा? 41। और इसको तो 60,000 मिल गए, मतलब 1,80 किसको दिया था? बैंक वाले को दिया था 1,80, उसमें से 60,000 की रिकवरी हो गई। तो इसको 1,20,000 पड़ा कॉस्ट। अब बोले बी लिमिटेड बताओ दुखी हो क्या? बोले अब मैं दुखी नहीं हूं भाई, थैंक यू, आपने मेरे से 60,000 दिलवा दिया। मेरा जो लॉस हो रहा था वो मेरा लॉस खत्म हो गया, मुझको कोई दिक्कत नहीं है, मेरा 1,20 पड़ा। इसकी बात करना ए लिमिटेड की। ए लिमिटेड बोलता अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं स्वैप नहीं करता तो मुझे 1,60 देना पड़ता, पर स्वैप की वजह से अभी भी मैं अगर इसको 60 भी गिन लेता हूं तो भी तो मेरा 1,40 ही जा रहा है भाई, तो भी तो आपने मेरा 20,000 रुपए बचा दिया, थैंक यू। बोले अभी थैंक यू रुक जाओ, थैंक यू देने की जरूरत नहीं, अभी सुनो। और बोले और एक काम करो, मेरा कमीशन तो दे दो। तो ए लिमिटेड बोले कमीशन उससे लो ना। बोले नहीं, मैं तो फायदे में से कमीशन लूंगा। इंटरमीडियरी बोल रहा जो भी फायदा होगा उसमें से मैं कमीशन। बोले ठीक है, बोलो कमीशन कितना? बोले 1% कमीशन, और लोन अमाउंट कितना है? 10 लाख। 10 लाख का 1%, तो 10 लाख का 1% कितना होगा? क्या लगता है? 10 लाख का 1% 10,000 रुपए तो कमीशन गया यार। बोले ठीक है भाई, वो भी काट लो, 10,000 रुपए और देने पड़े। किस चीज का देना पड़ा? कमीशन।
अभी भी 1.50 ही पड़ा, इसका कमीशन यही एडजस्ट हो चुका। मान लेते हैं कि कमीशन जो है वो प्रॉफिट में से, अगर अल्टीमेटली प्रॉफिट इधर बढ़ता है, हम प्रॉफिट में से कमीशन दे रहे हैं, अभी भी 1.40 और 10 कितना पड़ा इसको, 1.50। बोले ठीक है, अभी भी आपने मुझरा कितना बचा लिया, 10। सर लास्ट काम हो रहा है, 1,50,000 रुपए टोटल खर्चा आया। अगर स्वैप नहीं करता तो 1.60 आता, 1.50 खर्चा आया और इसका तो 1.20 है। तो ये लिमिटेड बोलता थैंक यू, तू भी तो आपने मेरा 10,000 बचाया, बहुत है। इंटरमीडिएट से बोल रहा, बोले सुनो सुनो सुनो, 10,000 बचा है ना, उसमें से और 5,000 निकालो, क्योंकि आप अकेले थोड़ी ना स्वैप, ये बी लिमिटेड भी, उसमें से और 5,000 रुपए निकालिए और बी लिमिटेड को दे दीजिए। बोले क्या बात कर रहे, बोले हाँ हम जैसा बोल रहे, ठीक है। बोले 5,000 और दिया गया तो इसका टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 1,55,000, और इसका टोटल कॉस्ट कितना, 1.20 गया में से 5 और आ गया तो 1,15,000। तो इसको टोटल पड़ा 1,55,000 इंटरेस्ट, इसको टोटल पड़ा 1,15,000। अगर रेट निकालो तो 1,55,000 देना पड़ा कितने रुपए पे, 10,00,000 पर इंटू 100। तो इसका इफेक्टिव कॉस्ट आया 15.5%। ऐसे इसको 1,15,000 देना पड़ा टोटल 10,00,000 पे, तो इसका इफेक्टिव कॉस्ट आया 11.5%। अब हम ए लिमिटेड से पूछ रहे हैं, अच्छा ए लिमिटेड ये बताओ कि आप कितने पे तैयार थे अगर स्वैप। बोले मैं था लाइबोर प्लस 1%। बोले ओके, बोले देखो लाइबोर कितना हुआ, बोले 15। तो आपको देना कितना पड़ा, आपको लाइबोर प्लस 1 16 नहीं देना पड़ा, आपको तो 15.5 ही देना पड़ा। मतलब आप जो दे रहे हो वो दे रहे हो लाइबोर प्लस 0.5%, यही तो दे रहे हो बिना फिगर लिए। और सुनो बी लिमिटेड, आप कितने पे तैयार थे, 12 ना फिक्स ना, तो आपको तो 11.5 ही देना पड़ा, तो बिना फिगर लिए तो ये तो आ गया आपका 11.5। ये जो बड़ा वाला काम है ना, ये आपको नहीं करना है, ये हमारे एग्जाम के में नहीं आता, आपको करना ऐसे ही, ठीक है। ये सिंपल है बेटे, आप एक स्टेप फॉलो करोगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 आंसर निकालोगे। दूसरा तरीका और आता है जो बैटिंग वाला होता है, कि अपसाइड बैटिंग करना, डाउनसाइड लाइबोर का रेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, उस पे मुझे एक क्वेश्चन करवाना फिक्स रेट पेयर, तो अगला वाला जो पार्ट होगा उसमें मैं वो चीजें कर लूंगा। थैंक यू।